जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो आज है 18 सितंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप ऐसे जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और यूपीपीसीएस का नंबर वन पेड बैच है ज्ञान सर का पेड बैच, और यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। तो पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर जो है वो कॉन्टैक्ट करिएगा। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए सेशन को शुरू करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल हैं, जिनको आप ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम लोग एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के, जिनको बहुत ध्यान से आपको सुनना है। लोकपाल इंक्वायरी विंग, ये हम लोग को एक टॉपिक देखने को मिल रहा है। लोकपाल और लोकायुक्त, ये दो चीजें होती हैं गाइस, ये एंटी करप्शन के तौर पर जो है वो काम करती है हमारे भारत में। इसी के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे काफी डिटेल में। नेक्स्ट, जुडिशियल इंडिपेंडेंस की यहाँ पर बात हो रही है और एथिकल कंडक्ट की जो है यहाँ पर बात हो रही है। काफी अच्छा आर्टिकल एक आया है जो आपको जनरल स्टडीज पेपर 2 में काफी हेल्प करेगा। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस की कॉस्ट को रिड्यूस करने के ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पर जैसे फॉरेन में हमारा कोई इंडियन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा छोटा भाई लंदन में, राइट, वो वहां से यहाँ पर पैसे भेजता है तो उसमें जो कॉस्ट कटती है ना, जो कॉस्ट कटिंग होती है, राइट, एक्चुअली उसने जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मुझे जो है वो 100 पाउंड भेजे, तो बट मेरे पास एक्चुअल 100 पाउंड जो है वो नहीं आएंगे, कुछ बैंकिंग चार्जेस, सर्विस चार्जेस, ये सब कटेंगे, राइट, करेंसी एक्सचेंज चार्ज, बहुत सारे चार्जेस होते हैं। इन्हीं सब चार्जेस को जो है वो कम करने के लिए अभी काम किया जा रहा है, इसी को लेकर एक अच्छा आर्टिकल है। फिर लॉस एंड डैमेज फंड चैलेंज इंडिया के लिए क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे, बहुत अच्छा एक और आर्टिकल है समझने वाला। पब्लिक अकाउंट कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटी का एक टॉपिक है, और रेगुलेटरी ओवरसाइट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग ब्रेक थ्रू के बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो देखिए गाइस, लगभग हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि एक दशक से ज्यादा जो है वो हो चुका है लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 का जब पास हुआ था, जो कि एक एंटी करप्शन ओम्बड्समैन है। क्या है ये, लिख लेना, एंटी करप्शन ओम्बड्समैन, भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल हम लोग को देखने को मिलता है। अब ये सिंपल सी चीज ध्यान में रखिएगा, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए दो विंग्स बनाई गई थी, एक विंग है लोकपाल, दूसरी है लोकायुक्त। लोकपाल जो है वो सेंट्रल लेवल पर ऑपरेट करती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है उन पर नजर रखती है, और लोकायुक्त जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के ऊपर नजर रखती है कि कहीं वो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व तो नहीं, अगर है तो उनको पकड़ने का काम करती है ये अथॉरिटी। यहां तक बात समझ में आई? लोकपाल ने, पता है 2013 में कानून हुआ आया था, बट लोकपाल ने काम करना शुरू किया 2019 से। सोचिए, भले 2013 में कानून आया, 2014 से काम शुरू हो जाना चाहिए था, बट काम शुरू हुआ है लोकपाल का 2019 से, जब पहले चेयरमैन और उसके मेंबर को जो है वो अपॉइंट किया गया। रिसेंटली एक इंक्वायरी विंग जो है वो बनाई गई, सेटअप जो है वो की गई ग्राफ्ट रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए, यानी कि वही जो करप्शन रिलेटेड ऑफेंसेस को हम लोग जो है वो बोलते हैं कि टेबल के नीचे से जो पैसा लिया जाता है उसकी बात की जा रही है, और हमारी कंट्री के अंदर एंटी करप्शन फ्रेमवर्क को जो है वो स्ट्रेंथन किया गया, मजबूत किया गया। अब देखो, बात बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है कि लोकपाल जो इंक्वायरी विंग जो है थी वो कब बनाई गई थी, तो लोकायुक्त और लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत बनाई गई। पहला पॉइंट, ये विंग जो है उसका काम क्या था कि जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जो था, यानी कि जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 जो था, तो उसके तहत ये किया जा रहा है कि भाई भ्रष्टाचार को देश से हटाना है, बट कौन हटाएगा भ्रष्टाचार को देश से, तो ये बॉडी बनाई गई कि भाई ये एंटी करप्शन बॉडी है, ये हटाएगी भ्रष्टाचार को देश से। तो जो भी पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं, जो सरकारी जो अधिकारी हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो जो भी, यानी कि जो सरकार मतलब जो ऑफिशियल्स है, पब्लिक सर्वेंट जो हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जितने भी हैं सरकारी कर्मचारी, तो वो अगर किसी प्रकार का करप्शन कर रहे हैं, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए जो है वो इस विंग को बनाया गया, इस बॉडी को बनाया गया। ये चीज आपको समझ में आ गई, यस। नेक्स्ट, इसके हेड जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, लिख लेना, ये होता है डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी। क्या होता है, इस इंक्वायरी एक विंग बनती है, यानी कि अब देखो ये एक ऐसा ग्रुप है, आप ये समझो ये ग्रुप जाएगा धरपकड़ करने, रेड करने, आगे चल के आप लोग भी इस ग्रुप के जो है वो मेंबर बन सकते हो, राइट, आईपीएस इसके मेंबर हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। तो एक होता है डायरेक्टर, और उसके नीचे जो है होते हैं वो तीन एसपी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है हर एक कैटेगरी के, एक जनरल कैटेगरी, एक इकोनॉमिक और बैंकिंग कैटेगरी, और एक साइबर केसेस। तो तीन अलग अलग कैटेगरी की इस प्रकार की विंग हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, तीन अलग अलग एसपी प्रोफेशनल्स रहते हैं और एक उनके ऊपर डायरेक्टर रहता है। तो 1+3 की ये बॉडी होती है जो धरपकड़ करने जाती है, जो पूरी जांच करती है।
और ये एसपी जो होते हैं वो फर्दर इनको जो है वो इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो हेल्प करते हैं, और दूसरे मतलब पुलिस फोर्स जो है वो उनकी हेल्प करती है। अब देखो एसपी है भाई, एसपी बहुत बड़ी पावरफुल पोजीशन हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, उनके नीचे सीएसपी है, टीआई है, राइट, पूरा स्ट्रक्चर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आगे की चर्चा करें तो इसमें हम लोग को ये देखने को मिलता है कि ये अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट करते हैं 60 दिन के अंदर और लोकपाल के पास या लोकायुक्त के पास जो है वो प्रस्तुत करते हैं। अब इस रिपोर्ट के अंदर पूरा फीडबैक होता है कि पब्लिक सर्वेंट इन्वॉल्व था कि नहीं इन्वॉल्व था, यानी कि एक प्रकार से जैसे कि पुलिस जांच करके केस डायरी प्रस्तुत करती है ना कोर्ट में, वैसे यहां पर पूरी जांच होती है और डायरी जो है वो लोकपाल के समक्ष जो है वो प्रस्तुत की जाती है। तो ये एक चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। अब क्यों आवश्यकता है और क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों हम इंक्वायरी विंग होनी चाहिए, तो इसका जवाब तो मुझे नहीं लगता मुझे आपको देना चाहिए, आपको खुद को पता है कि हमारे देश में ऑलरेडी इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, करप्शन है, उसको रोकने के लिए अथॉरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। ये विंग जो है वो कोलैबोरेट करती है एजेंसीज के साथ, जैसे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई, स्टेट लेवल लोकायुक्त, जिससे कि करप्शन की इंक्वायरी और बेहतर तरीके से कर सके। 2011 की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी की रिपोर्ट सामने आती है जिसमें यह बताया गया कि भाई जो आज की डेट का जो एंटी करप्शन सिस्टम है उसमें काफी सारी कमियां हैं। लोकपाल की जो इंक्वायरी विंग जो है वो ये सब गैप्स को फुलफिल कर देती है, मतलब कि ये लोकपाल की जो विंग बनाई गई है तो ये इसलिए बनाई गई है कि जो पुरानी जो विंग्स थी, पुरानी जो इंक्वायरी कमीशन थी, उसमें काफी सारी खामियां थी, काफी सारी कमियां थी, तो उसको दूर करके जो है ये चीज पूरी की गई। इंडिया जो है उसको कंसिस्टेंटली क्रिटिसाइज जो है वो किया जा रहा है ग्लोबल करप्शन इंडिसेस में, मतलब कि ग्लोबल लेवल पर जो ये इंडेक्स रिलीज होता है ना, जो सूची रिलीज होती है कि कौन सी कंट्री करप्शन के मामले में कितने ऊपर है कितने नीचे है, तो इंडिया को जो है वो लगातार इंडिया की आलोचना जो है वो की जाती है, राइट। स्पेशली अगर हम बात करें हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग के अंदर, राइट, तो बहुत बुरी रैंकिंग जो है वो इंडिया को जो है मिलती है। अब देखो आलोचना की जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं कमी हो, और ये बात आप जानते हैं किसी भी सरकारी आप दफ्तर में चले जाएं, जेब में वजन हो तभी काम आसानी से जो है वो जल्दी हो जाता है, या पावरफुल आप अथॉरिटी हो तब आसानी से काम हो जाता है, ये इंडिया की हालत है, तो ये बात आप जानते हैं। अब इस हालत को सुधारेंगे तो आप, बट उस हालत को सुधारने से पहले आपको खुद तो पावरफुल बनना पड़ेगा ना, तो इसलिए ये जो एग्जामिनेशन जिसकी आप तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, ये आपको उस पावरफुल पोजीशन पर जो है पहुंचाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर आपको सर्वाइव करना है वो भी दम से चौड़े होके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट या तो जेब में होना चाहिए इतना पैसा कि कभी वो खत्म ही ना हो, और दूसरा पावर ऐसी कि आपकी कलम में इतनी पावर होनी चाहिए कि आपने लोगों के आप थर थर कांपने चाहिए लोग आपसे मिलने से पहले, और ये पावर होती है आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएसपी, एसपी, इन लोग के पास, या फिर पॉलिटिशियन बनो ऐसे ही है तो उनके पास पावर होती है। तो मेन चीज या तो पावर होनी चाहिए या तो क्या पैसा, और तीसरी भी एक कंडीशन आती है, या तो गुंडे बन जाओ। अब वो तो मैं आपको वो नहीं करूंगा सजेस्ट, क्योंकि गुंडों का भी यही सिनेरियो होता है। वो ये चीज मुझे एक सीएसपी ने जो है वो सिखाई थी, एक केस के मैटर में मेरी बहस हुई थी सीएसपी साहब से, हमारे यही बड़ी नजदीकी हमारे जो है एरिया, तो उसके सीएसपी साहब से मेरी बहस हो गई थी एक मैटर पर। तो उस मैटर पर उन्होंने मुझे एक सीख दी थी, बोला था कि एक इंसान को या तो जेब से पावरफुल होना चाहिए या जूते से पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि मैं किसी को लेके गया था तो उनका ये कहना था कि ये व्यक्ति ना जूते से पावरफुल है ना जेब से पावरफुल है, हम क्या करें। अब जूते से पावरफुल मतलब, अब देखो सामने वाले व्यक्ति को पता है कि ब्यूरोक्रेटिक या इसके कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, तो उसने वाली पावर की तो बात ही नहीं करी जिस पावर की आप तैयारी कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि ना पैसा है जेब में ना जूते में पावर है, मतलब कि आप इतना अपने आप को जो है वो स्ट्रांग कर लो, स्ट्रांग मतलब फिर वो नीचता ही पे गंदगी बोलता रहा हो कि लड़ने के लिए कि भाई मार देंगे काट देंगे, तो वो भी इंसान डेंजरस होता है, उससे भी लोग डरते हैं और उसके भी काम फिर आसानी से हो जाते हैं। बट वो तीसरा वाला पॉइंट मैं आपको रिकमेंड कभी नहीं करूंगा, क्योंकि वो आप लोगों के लिए नहीं है, वो उन लोग के लिए जो दुनिया से हताश हो चुके होते हैं, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की होती फिर भी उनको पावर चाहिए। और दूसरी चीज ऑब्वियस ही बात है कि हर कोई इंसान गुंडा बन भी नहीं सकता भाई, उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। आप शेर हो तो दूसरा सवा शेर बैठा हुआ है पीटने के लिए, और ये इसका फ्यूचर जो है बहुत बेकार होता है। लोग स्टार्टिंग में लोगों को तो लगता है कि लोग जो है वो सलाम ठोक रहे हैं, भाई भाई कर रहे हैं, बट इसका एंड जो है वो बेकार है। तो तैयारी करो एग्जामिनेशन की, सिलेक्शन जो है वो पाओ, आईएएस आईपीएस अधिकारी की पोजीशन पर बैठो, करना ही क्या है भाई, सिर्फ पढ़ना ही है और क्या है, इतना ईजी सा काम जो है वो आपसे नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट फॉर्मेशन जो इस विंग का हुआ है, इट अलाइंस विद इंटरनेशनल कॉल्स फॉर रिफॉर्म एंड इंक्रीजेस पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नेंस। अब जैसे ही इस विंग को हमने एस्टैब्लिश किया तो भाई पब्लिक को भी लगा कि हाँ यार
अब करप्शन जो है वो नहीं होगा, भाई ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी अगर जैसे कोई भी आम आदमी अगर सरकारी ऑफिस में जा रहा है और जल्दी से अगर उसका काम हो जाए तो वो भाई उस कितना खुश होगा, उसके लिए खुशी की बात तो कुछ और है ही नहीं। यस, ये स्मूथली अगर काम हो जाए तो पब्लिक का ट्रस्ट डेवलप होता है। और इंडिया के सेकेंड ARC ने भी इसका रिकमेंडेशन जो है वो दिया था, ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। अब कुछ चैलेंजेस हैं जो आज की रेट में लोकपाल जो है वो फेस कर रही है, जैसे कि ऑब्वियसली बात है 2014 में कानून आ गया था, लागू हो जाना चाहिए था, 2019 में जो है वो लोकपाल जो है वो हुआ है, तो कितनी गलत बात है कि तो डिले, इसको एस्टैब्लिश करने में बहुत डिले किया गया। वेकेंसी हम लोग को देखने को मिलती है इंपॉर्टेंट पोजिशन के अंदर, जैसे कि एक जुडिशियल और एक नॉन जुडिशियल जो मेंबर होने चाहिए उनकी पोजीशन अभी भी वेकेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। भाई जुडिशरी से कोई मेंबर नहीं होगा तो आप जुडिशियल केसेस जो है वो कैसे हैंडल करोगे, या फिर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो कैसे एस्टैब्लिश करोगे, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको दूसरी एजेंसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, दूसरी एजेंसी अगर करप्टेड निकले, उसी का बंदा अगर कहीं पर इंफॉर्मेशन लीक कर दे तो फिर सामने वाला तो सतर्क हो जाएगा ना। तो होता ही है कि सिस्टम के अंदर ही एक व्यक्ति लगाता है फोन कि भाई साहब आपके यहाँ रेड होने वाली है, जल्दी से हट जाओ। मैंने आंखों के सामने देखा हुआ है, मेरे काफी सारे ऐसे परिचित हैं जो चला रहे हैं कुछ चीजें जो सही नहीं है, उनके पास पुलिस के आने से पहले ही फोन आ जाता है। एक्साइज वालों की बात करो मैं, सही नहीं है का मतलब ये नहीं पता लगा, सोचने लगा सर पता नहीं कौन सी स्मगलिंग वाले काम कर रहे हैं। अब एक्साइज मैंने बोल दिया है तो इतने समझदार आप होने चाहिए कि किस तरीके का काम चल रहा है, तो वहां पर पहले से ही फोन आ जाता है एक्साइज वालों की तरफ से किसी का कि सर आने वाली है टीम, थोड़ा देख लेना जो भी रखा हो उसको इधर उधर कर दो। अब समझदार हो इशारा काफी है तो है भैया। और मैं चलता हूँ यार प्रैक्टिकलिटी के ऊपर, मैं आपको जो पढ़ाता हूँ यहाँ पर वो सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकलिटी अप्रोच जो है वो आपको देता हूँ। जो चाहिए एग्जामिनेशन के लिए पढ़ तो कोई भी लेगा यार, ये सब चीजें तो कोई भी पढ़ लेगा, बट मेन चीज प्रैक्टिकलिटी अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। आर यू गेटिंग इट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब क्या किया जाए? तो भाई देखो आप मेन चीज जो वैकेंसी है उसको फुलफिल करो, ये प्रॉब्लम जो है वही तो सोल्यूशन है, वैकेंसी की प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन है। ट्रांसपेरेंसी बनाओ, इनकी एक अलग टीम जो है वो एस्टैब्लिश करो, जैसे कि इनको एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो अडॉप्ट किया जाए। तो ये सब पूरी चीजें हैं जिसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब गाइस यहाँ पर बात की जा रही है जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बारे में, और आप देखेंगे हर 2-3 महीने के अंदर एक ना एक आर्टिकल जुडिशियल इंडिपेंडेंस को लेकर आता ही आता है, क्योंकि चलता है ना यार, टकराव चलती रहती है हमारी जुडिशरी और पॉलिटिशियंस के बीच में, लगातार फाइट चलती रहती है। तो रिसेंटली अभी एक बहस हम लोग को जो है वो देखने को मिली, लिखा है कि भारत में न्यायिक आचरण से संबंधित हालिया बहसों में नैतिक मानकों की पुष्टि करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है, विशेष रूप से प्रधानमंत्री द्वारा एक धार्मिक आयोजन के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के निवास पर सार्वजनिक यात्रा के बाद। हुआ ये था कि एक पब्लिक विजिट जो है वो की गई थी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रेजिडेंस में एक रिलीजियस इवेंट के लिए। कौन सा रिलीजियस इवेंट था? फोटो देखना चाहोगे? आइए दिखाता हूँ। दिखाई दे रही है गणपति जी की आरती, और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको जो है वो दिखाई दे रहे हैं राइट फोटो में। तो इसी पर जो है वो बहस जो है वो छिड़ गई है कि भाई ये क्या चल रहा है, जुडिशरी इंडिपेंडेंस है कि कहीं इंटरफेरेंस तो नहीं हो रहा किसी भी प्रकार का? समझ में आ रही है आपको बातें? इंटरफेरेंस बोले तो जैसे आपको बताया कि ऑलरेडी कि कई बार बड़े बड़े मामले जो हम लोग को देखने को मिलते हैं कि कोर्ट के अंदर, उसमें भी जो है वो कई बार जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं कौन लोग, पॉलिटिकल पावर। जैसे मेरे साथ पर्सनल केस में भी एक बार हुआ था ऐसा कोर्ट के अंदर ही। अब ठीक है वो पूरी डिटेल में बताना मुझे है वो सही नहीं रहेगा वो सब चीजें, बट मेरे साथ मैंने भी खुद पर्सनली जो है वो नोटिस किया है कि जो पावरफुल व्यक्ति होता है उसको जज के रूम में जो है वो डायरेक्टली लंच टाइम पे जो है बुला लिया जाता है, फिर अलग से बातचीत जो है वो की जाती है। तो यही पॉलिटिकल जुडिशियल कनेक्शन, तो क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंट है कि नहीं, इसी पर फिर से बहस चढ़ गई है। और जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये इवेंट ने यही चिंता जो है वो कर दी है कि भाई इस प्रकार के इंटरेक्शन जो है, और ये इतने समय से जो प्रिंसिपल जो चला आ रहा है कि भाई जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, कि जुडिशरी जो है वो पॉलिटिक्स से बिल्कुल ही जो है वो अलग है, तभी तो वो 100% न्याय प्रोवाइड कर पाएगी। और री स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ जो अडॉप्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन, तो ये इन्हीं सब कोर प्रिंसिपल्स को जो है वो दर्शाता है, बताता है कि क्या कोर प्रिंसिपल्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो इसी पर ही हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। अब देखो जुडिशियल एथिक्स और
रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज के बारे में हम बात करेंगे, न्यायिक नैतिकता और मूल्यों का पुनर्कथन। तो पर्पस जो है वो कोर्ट का, भाई पहली चीज तो यही होना चाहिए कि जो भी जजेस जो होना चाहिए उनका बिहेवियर एथिकल होना चाहिए, कि बदतमीजी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, वो इंश्योर करें कि वो इम्पार्शियल रहें, निष्पक्ष रहें, किसी का फेवर ना करें अपनी ड्यूटी करते समय, राइट। इम्पार्शियलिटी और पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि देखो एक मेन प्रिंसिपल यही है निष्पक्षता, कि भाई अगर आप कोई भी न्याय दे रहे हो, कुछ भी चीज कर रहे हो, तो आपको उसमें आपको निष्पक्ष होना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई फ्रेंड आ गया तो आप उसको अलग फेवर जो है वो कर रहे हो, राइट, अपनी ड्यूटीज के दौरान, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो जजेस जो है ऑब्वियसली बात है कि ऐसा उनको कार्य कभी कोई नहीं करना चाहिए जिससे कि पब्लिक का जो विश्वास है कोर्ट के ऊपर वो खत्म हो। उनको अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी पब्लिक लाइफ के बीच में एक बाउंड्री जो है वो क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जज की पर्सनल लाइफ जो है आउटसाइड द स्कोप ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी होनी चाहिए, राइट, कि मतलब न्यायिक जांच के दायरे के बाहर जो है वो होती है। एक्शन जो भी वो पर्सनल कैपेसिटी में लेते हैं तो वो पब्लिक परसेप्शन जो होता है जुडिशियल इम्पार्शलिटी का वो अवॉइड किया जाना चाहिए। जैसे अभी अभी देख लो ना, सीजीआई की एक फोटो आ गई तो इतना बड़ा विवाद जो है वो आ गया सामने। इससे पहले भी एक बार हुआ था, एक बार सीजीआई ने हमारे एक कमेंट जो है वो किया था किसी नहीं कमेंट नहीं किया था वो एक केस जो है वो चला था, एक जर्नलिस्ट जो था उन्होंने कमेंट किया था, एक सीजीआई एक सुपर बाइक के ऊपर जो है बैठे हुए थे, आई थिंक आपको केस के बारे में थोड़ा सा अंदाजा होगा। तो वो सुपर बाइक के ऊपर जो है वो बैठे हुए थे और हम लोग को जो है वो ये चीज देखने को मिली कि सामने वाले एक जर्नलिस्ट ने जो है वो केस जो है वो फाइल कर दिया था, और मेरे ख्याल से शायद 1 रुपए का उनके ऊपर फिर वापस जुर्माना भी लगाने की बात हुई थी कि माफी मांगिए जज से ऐसा। तो बहुत बड़ा केस एक वो लंबा समय तक जो है वो चला था। एनीवेज, तो होता ही है कि कई बार अब भाई जज जो है वो एक बाइक के ऊपर बैठकर फोटो खिंचवा ली, उन्होंने सामने वाले ने कमेंट जो है वो कर दिया कि देखो आपने ये रोड सेफ्टी जो नियमों को वो नहीं किया, पालन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। तो ये चीजें हैं, तो कई बार उनकी जो पर्सनल पब्लिक लाइफ भी होती है ना, वो इस कारण से थोड़ी सी दिक्कत में जो है आ जाते हैं। फैमिली और क्लोज रिलेशन, कोर्ट एडवाइस करता है जज जो है वो अवॉइड करें अपने फैमिली मेंबर्स को या क्लोज रिलेटिव्स को जो मेंबर है बाहर के, कि वो अपीयर हो उनके सामने। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि जज है, आप जज का बेटा वकील बन के उसके सामने केस लड़ने आ गया, तो ऐसी चीजें अवॉइड करो, ठीक है। जजेस जो है उनको ये कहा जाता है कि भाई पब्लिक डिबेट्स वगैरह मत करो, आप भाषण वगैरह में इन्वॉल्व मत हो, वो काम है पॉलिटिशियन का, वो उनको करने दो। बैंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट एक हम लोग को देखने को मिलता है। 2006 में यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया था बैंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट को, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई एक स्टैंडर्ड्स बनाया जाए किस चीज का, न्यायिक नैतिकता का, जुडिशियल एथिक्स का। 6 कोर प्रिंसिपल्स या वैल्यूज जो है वो इसके अंदर शामिल किए गए। एक तो कहा गया कि इंडिपेंडेंस होना चाहिए, स्वतंत्रता, इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता, इंटीग्रिटी, अखंडता, प्रोप्राइटी, औचित्य, इक्वलिटी, समानता, कंपिटेंसी, क्षमता, डेलिजेंस, परिश्रम। तो ये सब प्रिंसिपल्स जो है वो एक जज के अंदर होने चाहिए, ये सब वैल्यूज जज के अंदर होनी चाहिए, इससे पब्लिक ट्रस्ट जो है वो मेंटेन हो सकता है। ये प्रिंसिपल जो है वो एज अ फ्रेमवर्क के तौर पर जो है वो काम करते हैं कि जज जो है वो किस प्रकार से ऑपरेट करे, कार्य करे। कुछ चिंताएं भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है जुडिशरी के अंदर, जैसे कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। कई बार हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि जो पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं केसेस को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, राइट, ठीक है। कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि जजेस का रिटायरमेंट होता है, उसका जज भी जो है वो एक पॉलिटिशियन के तौर पर जो है वो आ जाते हैं, ठीक है, और ये उनके उनकी पार्टी से शामिल हो जाते हैं जिनकी पार्टी के फेवर में उन्होंने अपना जजमेंट दिया। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पर उठने लगते हैं कि कहीं खिलाई पिलाई हुई है लगता है। कई बार ट्रांसपेरेंसी का इशू भी हम लोग को देखने को मिलता है, कुछ सेंसिटिव जुडिशियल इन्फॉर्मेशन जो होती है जिसके कारण पब्लिक का कॉन्फिडेंस जो है वो हिल सकता है, तो वो अगर पास ऑन हो जाए किसी व्यक्ति को तो ट्रस्ट होता है पब्लिक का वो टूटता है जुडिशरी से। नेक्स्ट, रीसेंट कंट्रोवर्सी की अगर हम लोग चर्चा करें तो ऑब्जर्वर जो है उन्होंने चिंता यही व्यक्त करी कि रीसेंट जो सीजीआई के घर पर जो हम लोग को प्राइम मिनिस्टर की विजिट जो है वो देखने को मिली, तो इसमें ये बहुत जरूरी है कि भाई जुडिशरी और ये एग्जीक्यूटिव जो है वो टोटली जो है वो सेपरेट हो, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में एक पृथक्करण की आवश्यकता होनी चाहिए, बट वो हो नहीं रही है। अब देखो यार, वो अब मेरा इस ब्रॉड माइंडसेट की अगर हम बात करें तो मेरा मोस्ट मानना यह है कि यार अगर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर किसी पब्लिक
मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग नहीं कहूंगा, जैसे पर्सनल मीटिंग करने चले गए और वहां पर उन्होंने आरती वगैरह कर ली, तो यार वो तो पर्सनली वो गए थे भाई, सीजीआई कोर्ट के अंदर है ना सीजीआई, बाहर तो एक आम आदमी जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है यार, पता है प्रॉब्लम ये भी है बहुत बड़ी, पब्लिक इस चीज को सही तरीके से ले नहीं पाती, समझ नहीं पाती, और सही भी बात है कि आप एक पोजीशन में है तो आपको उस पोजीशन को की गरिमा रखनी पड़ेगी। अब एग्जांपल के तौर पर कि आप एक आईपीएस ऑफिसर है और पब्लिकली अगर आप गुंडों से मिल रहे हो, उनके साथ दोस्ती अच्छी बना रहे हो, पता लग रहा है पब्लिक के बीच में कि आप पब्लिक रेस्टोरेंट में जा रहे हो, गुंडों के साथ एंजॉय कर रहे हो, तो आपकी छवि कैसी बन जाएगी पब्लिक के बीच में कि अरे यार ये तो गुंडे को साथ देने वाला ऑफिसर है। यस, मैं इसलिए आपको ये वाला एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मैंने ये पर्सनली चीजें देखी हुई ऑन टेबल, फिर उनकी छवि इस तरीके की बन जाती है कि फिर वो फेवर ही सिर्फ गुंडों को करते हैं, आम आदमी को करते नहीं है, प्रमोशन वगैरह भी इस कारण से उनका कई बार रुक जाता है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं, पब्लिक का परसेप्शन जो है वो एक प्रकार से इंस्टीट्यूशन को लेकर वीक होने लगता है, लगने लगता है कि नहीं यार ये तो करप्शन ही चल रहा है, आम आदमी के पास कुछ नहीं, ये लोग आपस में साठ गांठ में काम कर लेते हैं और नुकसान जो है वो होता है आम आदमी का। तो रिकमेंडेशन यही है भाई कि जितने भी एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, नैतिक मानक जो है उसको मजबूत बनाओ यार आप, और उसको लागू करो, मेनली मजबूत बनाने से पहले इस्टैब्लिश करो इंडिपेंडेंट बॉडीज को, राइट, इंडिपेंडेंट बॉडीज मतलब ऑडिट करने के लिए, चेक करने के लिए कि हाँ भाई कहीं चक्कर तो नहीं है बीच में, ये इनकी मेल तो नहीं हो गया इन लोगों का, राइट, ये मिलकर जो है वो कहीं चूना तो नहीं लगा रहे पब्लिक को। उसके लिए है हालांकि अपनी एंटी करप्शन बॉडी, एक मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो लेकर आओ जजेस के लिए जब वो किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल या गवर्नमेंट पोजीशन जो है वो पे आते हैं अपने रिटायरमेंट के बाद। वैसे रहता है, पता है कूलिंग ऑफ 5 ईयर्स का पीरियड तो वैसे रहता है कूलिंग ऑफ पीरियड। एनीवेज, पब्लिक एंगेजमेंट इनकरेज जो है वो किया जाए कि पब्लिक जुडिशियल प्रोसेस को भी सही तरीके से समझे, क्योंकि पब्लिक कानून को समझती नहीं है तभी पब्लिक का चूना कटता है, मतलब चूना लगता है, मैंने दो शब्द मिलाकर एक साथ जो है बोल दिया तो आप समझ गए होंगे। इसलिए अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपको कानून की अवेयरनेस है तो आपको कोई चूना नहीं लगा सकता, बट अवेयरनेस नहीं है तो आप डरते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग तैयारी करो सिविल सर्विसेज की, आप लोग नहीं डरते हो क्योंकि आपको पता है क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, किस तरीके से सिस्टम वर्क करता है, काम करता है। यस, बस दैट्स इट, यही था बस पूरा ओवरऑल टॉपिक, उम्मीद करता हूँ पूरी चीज अच्छे से क्लियरली समझ में आई होगी। अब गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग आज की डेट में कोशिश कर रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस की कॉस्ट जो है वो कम हो जाए। सिंपल शब्दों में, बाहर कोई फॉरेन कंट्री में बैठा हुआ कोई आपका रिश्तेदार है, वो अगर आपको पैसे जो है वो भेजते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा छोटा भाई लंदन में बैठा हुआ है, वहां से वो जब पैसा भेजता है फॉर एग्जाम्पल वो 100 पाउंड भेज रहा है, तो एग्जैक्टली पूरे 100 पाउंड आएंगे नहीं, ऑब्वियसली बात है कि आपको पता है कि बैंकिंग चार्जेस होते हैं, ऐसे तमाम प्रकार के चार्जेस हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, तो आप लोग जानते हैं इन सब चीजों के बारे में, है ना, आपको नॉलेज। तो काफी प्रकार के अलग अलग टाइप के चार्जेस होते हैं, सर्विस चार्जेस, करेंसी एक्सचेंज चार्जेस, राइट, तो बहुत पैसा कटता है, तो ये जो कटौती है उसको रोकने के लिए आज की रेट में काम किया जा रहा है। इंडिया ने यही प्रपोजल रखा है कि भैया आप क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस की जो कॉस्ट है उसको कम करो, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13वीं मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है इस चीज को कहा गया, और ये कहा गया, और ये जब जैसे ही बोला तो ऑब्वियसली बात है कि सबकी निगाहें इस चीज पर आ गई कि हाँ यार बात तो सही है। पूरे दुनिया भर में $125 बिलियन से ज्यादा रेमिटेंसेस देखने को मिले हैं। रेमिटेंसेस पता है कि जो बाहर से व्यक्ति पैसे भेजता है, प्रेषण इसको कहा जाता है हिंदी में। इंडिया जो है वो यही बोल रहा है कि इतनी जो हाई फीस लग रही है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर से एसोसिएटेड जो हाई फीस है उसको कम करो भाई। मोरक्को, वियतनाम, इनने भी सपोर्ट किया क्योंकि ये भी यूनाइटेड स्टेट्स में इनको काफी ज्यादा वहां से पैसा आता है, बट पैसा कटता है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक फोरम जो है जेनेवा के अंदर, तो डिस्कशन वहां पर चल रहा है और फोकस इसी चीज पे किया जा रहा है कि भाई रेमिटेंसेस की जो कॉस्ट है उसको कम करो आप, जो ट्रांसफर कॉस्ट है। ठीक है, तो ये चीज है थोड़ी सी, बस बेसिक यही चीज है जो आपको समझनी है, बाकी इस टॉपिक के अंदर और कुछ नहीं है। पूरे दुनिया भर में एवरेज कॉस्ट जो लगता है रेमिटेंस भेजने का वो 6.25% होता है एवरेज तौर पर,
फॉर एग्जाम्पल की मैंने अगर बात करी 100 पाउंड की, कि 100 पाउंड अगर मेरे छोटे भाई ने मुझे ट्रांसफर किए तो मेरे पास जो है वो 100 नहीं आएंगे, मेरे पास आएंगे कितने, 93 पकड़ लो आप, तो यानी कि 7 पाउंड सीधे सीधे जो है वो अपने क्या हुए, कट गए। और छोटे ट्रांजेक्शन की बात करें जो यूएस डॉलर 200 डॉलर से कम का है, तो फीस जो है वो 15-20% तक पहुंच सकती है। सोचिए आप, यानी कि मैं तो 100 पाउंड की जो है बात कर रहा था, तो उसमें 15-20 पाउंड जो है वो मेरे कट ही आएंगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10 जो है उसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि रेमिटेंस कॉस्ट को जो है वो 3% से कम जो है वो करना 2030 तक। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और ये टारगेट G20 के द्वारा भी जो है वो कहा गया कि भाई हम लोग को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की जो कॉस्ट है उसको जो है वो रिड्यूस करना है। ठीक है, 4.84% डिजिटल रेमिटेंस की कॉस्ट हम लोग को देखने को मिलती है कंपेयर टू नॉन डिजिटल चैनल्स। इंडिया ने प्रपोजल रखा है कि भाई कम करो ये रेमिटेंस कॉस्ट को। इंडिया ने ड्राफ्ट प्रपोजल सबमिट किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इंटरनेशनल सपोर्ट की बात करें, मोरक्को वियतनाम ने स्ट्रांगली सपोर्ट किया इस प्रपोजल को। यूएसए नहीं चाह रहा है, क्योंकि क्यों इसलिए नहीं चाह रहा है कि कमाई उनकी हो रही है ना। यूएसए, स्विट्जरलैंड, ये सब कंट्रीज नहीं चाह रही है कि रेमिटेंस जो कॉस्ट है उसको कम किया जाए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, इन्होंने बोला है कि भाई कोलैबोरेशन की आवश्यकता है आईएलओ के साथ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ। इनका सपोर्ट मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है कि चीजें ठीक होंगी, इंटरनेशनल कानून जो है वो स्टैंडर्डाइज जो है वो बनेगा। अब इसके काफी सारे बेनिफिट होते हैं, अगर कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कम फीस जो है वो भरनी पड़ेगी लोगों को, ज्यादा रेमिटेंसेस होगा, एनआरआई को फायदा होगा, इंडियन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको फायदा होगा, डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, राइट। फाइनेंशियल इंक्लूजन, लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग से जो है वो जुड़ेंगे, बैंकिंग का इस्तेमाल करेंगे, लीगल बैंकिंग का इस्तेमाल करेंगे हवाला की जगह। सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट इसके हम लोग को जो है वो देखने को, हालांकि हवाला इस चीज के लिए नहीं होता है, हवाला जो है वो ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी के कन्वर्जन के लिए मेनली होता है। इस चीज को आप हवाले से, मैंने जनरली बस ऐसी बोल दिया था, बट आप इसको हवाला के साथ रिलेट बिल्कुल मत करना, क्योंकि हवाला की फीस जैसे अभी की मैं अगर बात करूं तो 1,00,000 रुपए में 500 रुपए उनका कमीशन होता है हवाला का। वो तो जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाओगे, आईपीएस बनोगे, तो आपको खुद पता रहेगा कि आपके यहाँ पे हवाला कौन कर रहा है। सब कहानी होती है बहुत, सबको सब पता रहता है, हालांकि इलीगल है, बट फिर भी लीगल लोगों को इलीगल की जानकारी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू लीगल की जानकारी की जगह। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुई थी 1995 में, उस समय इसको GATS कहा जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, ये ट्रेड एग्रीमेंट को जो है वो देखती थी। और जो रेमिटेंस प्रपोजल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और इंडिया यही चाह रही है कि रेमिटेंसेज जो है वो उसकी फीस जो है उसके कॉस्ट जो है वो कट हो जाए, कॉस्ट कटिंग हो उसकी, उससे फायदा मिलेगा ना काफी सारे लोगों को। आइए समझते हैं कि लॉस एंड डैमेज फंड चैलेंज क्या है इंडिया के लिए। जुलाई, बहुत ध्यान सुनना है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जुलाई 2024 में केरल की वायनाड डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर बहुत ज्यादा हम लोग को लैंडस्लाइड्स देखने को मिले, बहुत बुरी हालत हुई, आपको पता होगा न्यूज में हर जगह छा रही थी है। इसके कारण बहुत ज्यादा जो है वो लोगों की जाने गई, काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, रोड वगैरह जो है वो खराब हो गई, राइट। और यही फोकस किया जा रहा है कि भाई अब हमें आज की रेट में क्लाइमेट चेंज एडाप्शन पर काम करना है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण ये सब स्थिति बढ़ती जा रही है, चाहे वो बाढ़ की स्थिति हो, चाहे वो लैंडस्लाइड की स्थिति हो, राइट, सूखा पड़ने की स्थिति हो, तो भाई हम लोग को जलवायु को अब देखते हुए जो है वो चीजों को करना है। तो आज की रेट में इसी चीज पर जो है वो चर्चाएं हो रही है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको UNFCCC हम लोग कहते हैं, उसका है ये लॉस एंड डैमेज फंड, लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन आ सकता है लॉस एंड डैमेज फंड किसका है, तो UNFCCC का। अब आज की रेट में हमें कंपनसेशन की तो आवश्यकता है, मुआवजे की तो आवश्यकता है, राइट, क्योंकि आज की रेट में हम और मुआवजा कहां से निकाला जाएगा, उसी जगह से जहां पर हम सेविंग्स रखेंगे। तो ये फंड, ये कोष है ना, ये लॉस एंड डैमेज फंड है, मतलब सिंपल शब्दों में कि कहीं पर भी लॉस होता है, कहीं पर भी डैमेज होता है, तो इससे पैसा निकालकर जो है वो मुआवजा दिया जाएगा। तो हम बात करें लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में, तो इसको 27th यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 में जो है वो एडॉप्ट किया गया था या क्रिएट किया गया था 2022 में। और किस पर्पस के लिए, तो
जलवायु परिवर्तन के कारण, क्या क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण किसी भी प्रकार से आर्थिक या नॉन इकोनॉमिक गैर आर्थिक तरह से नुकसान होता है तो फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए। मतलब ये मान के चलो कि एक बॉक्स है, एक डब्बा है जहां पर पैसा जो है वो लगातार डाला जा रहा है, एक्स्ट्रा सेविंग्स जो है वो की जा रही है कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तो उससे पैसा निकालकर यूज कर लिया जाएगा। समझ में आ गए आप लोगों को? तो UNFCCC का ये फंड है, लॉस एंड डैमेज फंड, और ये किस पर्पज के लिए? क्लाइमेट चेंज, आप ध्यान में रखोगे क्लाइमेट चेंज से होने वाली जो क्षति होती है, नुकसान होता है, तो उसकी पूर्ति के लिए है, उसके मुआवजे के लिए, उसके कंपनसेशन के लिए है बस। और इसको जो है वो कौन गवर्न जो है वो करेगा? तो इसको ऑब्वियसली बताए गवर्निंग बोर्ड, इसका एक बोर्ड जो है वो तैयार किया गया है, तो ये बताएगा कि किस प्रकार से फंड्स को मैनेज करना है। वर्ल्ड बैंक जो है वो ट्रस्टी के तौर पर जो है वो काम करती है इसकी, ठीक है। और चिंता जो है वो यही व्यक्त की गई है कि भाई काफी सारी मतलब और भी दूसरे प्रकार के क्लाइमेट फंड्स भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, राइट। तो इसलिए टाइम पर जो है वो राहत नहीं मिलेगी, तो राहत ही किस काम की? तो राहत टाइम पर नहीं मिल रही है, उसका बस एक इशू है कि इससे पैसा जो है वो टाइम पर पहुंच नहीं रहा है, निकल के। इंडिया का क्या रोल है क्लाइमेट फाइनेंस में? तो 2019 और 2023 के बीच में इंडिया ने $56 बिलियन से ज्यादा का नुकसान इंडिया को हुआ है। किसके कारण? वेदर रिलेटेड डिजास्टर के कारण। और इंडिया की नेशनल क्लाइमेट एक्शन पॉलिसी और उसका बजट जो है वो बेसिकली फोकस कर रहा है मिटिगेशन के ऊपर रेदर देन अडॉप्शन। ये एक गड़बड़ वाली चीज है, पता आपको? अडॉप्शन मतलब कि हम जो है आने वाले समय के लिए प्रिपेयर हो जाए, बट मिटिगेशन मतलब खतरे को रोका जाए। बट हम लोग को आज की डेट में क्लाइमेट चेंज के खतरे को रोकना आज की डेट में संभव नहीं है, तो हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट बनना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट मतलब अडॉप्ट करनी पड़ेगी ऐसी प्रैक्टिसेस शामिल करनी पड़ेगी जिससे कि क्लाइमेट चेंज के खतरे के साथ साथ जो है हम चीजों को मैनेज कर सके, साथ साथ आजीविका को मैनेज कर सके, साथ साथ सर्वाइवल को मैनेज कर सके। तो यूनियन बजट 2024 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी। क्या इंट्रोड्यूस किया? क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि क्लाइमेट एडाप्शन और मिटिगेशन का बजट जो है वो बढ़ाओ। हाउएवर बिना प्रॉपर गाइडलाइंस के कि कैसे लॉस और डैमेज फंड जो है उसको हम लोग एक्सेस करेंगे, उसका आकलन करेंगे, तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिला है कि भाई हम बजट तो बढ़ाएंगे बट उसका बजट का यूज कैसे करना है, किस जगह पर करना है। तो जब किस जगह पर यूज करना है उसका उसी की क्लैरिटी नहीं है, उसी की प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, तो यही तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इंडिया जो है ये म्यूटेड पार्टिसिपेंट है लॉस एंड डैमेज डायलॉग्स के दौरान, यानी कि हम लोग बातचीत नहीं करते लॉस एंड डैमेज डायलॉग्स में। रिस्क बढ़ रहा है उसके बावजूद भी ये एक इशू है इंडिया का। बट हाँ, खुद से हम लोग जो है वो अलग अलग फोरम्स के थ्रू डिस्कशन करते रहते हैं, बट मेनली UNFCCC के लॉस एंड डैमेज जो डिस्कशन होता है उस पर हम जो है वो चुप्पी साधे रहते हैं, ठीक है। स्टेट लेवल की बात करें, केरल की स्थिति भी काफी ज्यादा खराब हम लोग को 2018 की फ्लड में जो है वो देखने को मिली, आपको ऑलरेडी पता होगा। रीबिल्ड केरला डेवलपमेंट प्रोग्राम एक हमें देखने को मिला जिस पर वर्ल्ड बैंक ने लोन्स दिया है, जर्मनी के KFW डेवलपमेंट बैंक के द्वारा लोन्स दिए गए हैं, उससे वो पूरी चीजें ठीक हो रही है। असेसमेंट फ्रेमवर्क की हमारे पास कमी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, राइट, कि हम आकलन नहीं कर पा रहे कि कहां किस डैमेज को कैसे मेंटेन करें, कैसे मैनेज करें। चैलेंजेस यही है कि टाइम पर फंड जो है वो मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। और प्रिंसिपल जो है वो लोकली लेड एडॉप्शन के, उसको भी इंडिया की क्लाइमेट पॉलिसी के अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि आज की डेट में एडॉप्शन करना जरूरी है, क्योंकि हम रोक नहीं सकते क्लाइमेट चेंज को, क्योंकि हमने इतना नुकसान कर दिया है, इतना जलवायु के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर दिया है कि नुकसान तो तय है, तो हमें उस नुकसान के साथ साथ रहना कैसे है उसकी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी, ज्यादा लॉस ना हो उस पर काम करना पड़ेगा, ये चीज है। पब्लिक अमाउंट अकाउंट्स कमेटी PAC, तो पहले आप जान लो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो क्या है। तो ये इंश्योर करती है, देखो नाम से मेरा पब्लिक अकाउंट मतलब पब्लिक का अकाउंट जिसमें पब्लिक का पैसा है, तो उस पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसकी जांच करती है ये कमेटी, क्लियर हुई? ये पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, ये आप लोग को जो भी स्टूडेंट हमारे जनरल स्टडीज के बैच में, आप लोग को इससे रिलेटेड नोट्स नहीं बनाने,
क्योंकि इससे रिलेटेड चीजें आपको ऑलरेडी मतलब हमारे जीएस बैच में जो है वो मिल जाएगी, आपको टेंशन कर लेने की जरूरत नहीं है। जो हमारे जीएस बैच में नहीं है वो आप इससे रिलेटेड नोट्स बना सकते हैं। वैसे मैं आप सभी लोग को बोलूंगा कि जीएस बैच को ज्वाइन करिए, क्योंकि जनरल स्टडीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जनरल स्टडीज जब तक आपकी क्लियर नहीं होगी तब तक एग्जामिनेशन आप नहीं कर पाओगे क्लियर। तो पहली चीज तो हमने देखा पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो क्या करती है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का आकलन करती है, चेक करती है कि जो पब्लिक का अकाउंट है, पब्लिक का जो पैसा है वो सही जगह पर यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। आर्टिकल 105 और आर्टिकल 118 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उससे इसको पावर जो है वो मिलती है। तीन फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, उनमें से एक ही हम लोग को देखने को मिलती है, दो और जो है वो एस्टिमेट कमेटी है और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स हम लोग को देखने को मिलती है, पीएसयू की। नेक्स्ट पैक जो है वो पहली बार 1921 में इंट्रोड्यूस की गई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के दौरान, याद रखिएगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के दौरान, और इसको एनुअल बेसिस पर जो है वो लाया गया लोकसभा के रूल ऑफ प्रोसीजर के रूल 308 के तहत। कमेटी के अंदर हम लोग को 22 मेंबर देखने को मिलते हैं, 15 मेंबर लोकसभा के होते हैं, 7 मेंबर राज्यसभा के होते हैं, याद रखिएगा। चेयरमैन जो होते हैं उनको स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के वो अपॉइंट करते हैं। इनका काम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पब्लिक के ऊपर यानी गवर्नमेंट कहाँ पर खर्चा कर रही है, कितना कर रही है, तो उसकी जांच करती है, ये रिव्यू करती है एनुअल फाइनेंस अकाउंट को, राइट। कमेटी रिव्यू करती है काफी सारी ऑडिट रिपोर्ट को जो कैग प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कुल मिलाकर सिंपल शब्दों में इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पब्लिक का पैसा सही जगह पर यूज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, उसकी ये जांच करती है। ये कैग के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन जो है वो करती है कि गवर्नमेंट सही जगह पर पैसा लगा रही है कि नहीं लगा रही, राइट। तो ये चीज हम लोग को पैक की देखने को मिलती है, जो मैंने भी आपको बताया। अब न्यूज क्या आई है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उन्होंने सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशन, यानी कि खुद से सुओ मोटो मतलब खुद से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, किसके ऊपर, कि रेगुलेटरी बॉडीज जो एस्टैब्लिश की गई है पार्लियामेंट के कानून के द्वारा, जैसे सेबी, ट्राई, तो जो हमारी ट्राई है, सेबी है, सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही, इस पर ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये पैक जो है जो गवर्नमेंट अकाउंट्स की देखभाल करती है, रेवेन्यू कितना पैसा आ रहा है सरकार के पास, कितना जा रहा है, उसकी पूरी जांच करती है। ये भी देखती है फीस, टैरिफ, यूजर चार्जेस, यानी कि सरकार कितना पैसा जो है लगा रही है अलग अलग चीजों पर, उससे कितना पैसा जनरेट हो रहा है, हर एक चीज की बारीकी से जांच करती है। और रीसेंट कंट्रोवर्सी आई थी सेबी के बारे में, उसने अटेंशन जो है वो लेकर आ गई कि भाई कहीं इसके अंदर कुछ गड़बड़ी तो नहीं चल रही है, तो अब ये सेबी और ट्राई की जांच करेगी। तो मैंने आपको पैक के बारे में बता दिया कि पैक किस प्रकार से काम करती है। इसके अलावा दूसरी भी हम लोग को रेगुलेटरी बॉडीज देखने को मिलती है इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट जिसको एस्टैब्लिश जो है वो करती है कानून के थ्रू, जैसे कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी का काम क्या होता है, हमारे स्टॉक मार्केट को जो है वो देखना, ऑब्जर्व करना, रेगुलेट करना। तो ये 1992 में एस्टैब्लिश हुई थी सेबी एक्ट के तहत, इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। ये हमारे सिक्योरिटी मार्केट जो है, शेयर मार्केट जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल शब्दों में, उसके ऊपर निगरानी रखती है, उसकी देखभाल करती है। और इन्वेस्टर्स जो होते हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है कि भाई उनके द्वारा लगाया गया पैसा मतलब सही जगह पे लगा है। अब देखो इसका मतलब ये नहीं उनके द्वारा लगाया गया पैसा प्रॉफिट में जाएगा, वो प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा वो मार्केट डिसाइड करेगा। सेबी ये डिसाइड करेगी कि भाई उनका जो पैसा है उसके साथ धांधलेबाजी जो है वो नहीं होनी चाहिए, राइट। जैसे हर्षद मेहता के केस में जो है आपने देखा था, ये धांधलेबाजी होती थी, शेयर्स को जानबूझ के बढ़ा दिया गया, फिर घटा दिया गया, इससे पब्लिक का नुकसान हो गया। तो ऐसी धांधलेबाजी ना हो इस पर निगरानी रखती है सेबी। ट्राई 1997 की हम लोग को देखने को मिली, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली हमारे कंट्री के अंदर टेलीकॉम सेक्टर की जो है वो रेगुलेट करने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए जो है ये बॉडी को बनाया गया 1997 में, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये चेक करती है कि भाई टैरिफ्स को, कि हाँ भाई कि जो टेलीकॉम कंपनीज है वो सही पैसा चार्ज कर रही है कि नहीं कर रही, ओवरचार्ज तो नहीं कर रही, ओवरचार्ज कर रही है तो उनको नोटिस भेजा जाता है, राइट। तो ये सब चीजें, फिर स्पेक्ट्रम चार्जेस वगैरह जो है उसको डिसाइड करने की पावर भी इनके पास होती है, ठीक है। पैक फीस, टैरिफ, यूजर चार्जेस जो है वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितने लगाने हैं, क्या करना है, तो ये सब चीजों की भी देखरेख करती हूँ, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, अभी इसकी जो है वो जांच करेगी सेबी और ट्राई की, पैक और भी दूसरी रेगुलेटरी अथॉरिटी की, फिर देखते हैं क्या रिपोर्ट निकल के आती है, फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पैक का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था पब्लिक अकाउंट कमेटी का, जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना मुझे जरा पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं और लोकसभा से कितने लिए जाते हैं और राज्यसभा से कितने। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाए, देखते हैं कि किसको याद है अभी के अभी। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर ब्रेक थ्रू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर के द्वारा एक इनोवेटिव
ब्रेन इंस्पायर्ड एनालॉग कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया है। अब मैं आपको आज का एक टास्क दूंगा, बट टास्क देने से पहले मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए, ये फोटोज, ये हमारे रिसर्चर्स हैं जिन्होंने जो है वो ये इस चीज को डेवलप किया है, ब्रेन इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म को, राइट, देख सकते हो आप, बहुत बेहतरीन। ये फोटो को देखो, इसमें क्या है, एक दिमाग के अंदर चिप लग गई है, ये है ना, ये दिखाया जा रहा है इसमें। ये भी ये फोटो जो थी वो इकोनॉमिक टाइम्स की थी, सेम ही टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक ब्रेन है और चिप जो है वो बनी हुई है। जितनी भी फोटोज आप देखो तो उसमें आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि यार चिप है उसमें ब्रेन बनी हुई है, राइट। तो क्या है ये, क्या इसका मतलब ये है कि इंसान के दिमाग में चिप लगाई जा रही है, कम ऑन। तो मैं चाहूंगा कि आज इस टॉपिक पर सबसे पहले तो आप लोग रिसर्च करें सेम टॉपिक पर, फिर उसके बाद कल इस टॉपिक को जो है मैं आप लोग के लिए उठाऊंगा। आज मैं आप लोग को टास्क दे रहा हूं ये पता करने के लिए कि आप जो है वो बताएं कि ये एग्जैक्टली है क्या, कौन समझा सकता है कमेंट बॉक्स पर, जिसने बेहतरीन तरीके से समझाया होगा कल मैं उसके कमेंट को जो है वो हाईलाइट करूंगा। तो आपको लिख लो, आप आपका टास्क है न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग आपको पढ़ना है आज, और मुझे बताना है कि क्या इसमें कंप्यूटर की चिप जो है वो लगाई जाएगी, मतलब दिमाग में। चलिए अब नेक्स्ट आपके सामने एक क्वेश्चन है मिशन मौसम से रिलेटेड, तो लिख लेना मिशन मौसम के बारे में। इसका मेन मौसम नाम से जानना है, मेन ऑब्जेक्टिव यही कि वेदर प्रिडिक्शन को इम्प्रूव करना, कि भाई हम जो आकलन करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं कि कैसा मौसम होने वाला है कुछ घंटों बाद, तो उसको और बेटर करना, एक्यूरेसी को। नेक्स्ट जनरेशन रडार्स का उपयोग करके, सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग करके, ये मिशन जो है इसको इम्प्लीमेंट किया काफी सारे इंस्टीट्यूशन ने, जैसे कि IMD, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटरोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, और भी काफी सारे हैं। ये मिशन के अंदर GIS बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो लाया गया रियल टाइम डेटा शेयरिंग के लिए एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में। अब नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का ये टॉपिक है, तो ये इंडिया का पांचवा AIFI है, AIFI यानी कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पांचवा है इंडिया का ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। अब देखो नाम से इनमें आ रहा है फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये लॉन्ग टर्म जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में फंड्स प्रोवाइड कराएगा, लोन्स प्रोवाइड कराएगा। इसको नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021 के तहत जो है वो एस्टैब्लिश किया गया है। फरवरी 2024 तक इसने 86,804 करोड़ रुपीस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन सैंक्शन किए हैं। तो ये फैक्ट है जो थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, और इसी टॉपिक से रिलेटेड एक मेंस का भी क्वेश्चन है, ट्राई करिए इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की 150 वर्ड में। और कल हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।